क्लास सेवन्थ लेसन टू गृहीत चौर पेज नंबर टू। चौर वदत्। चोर कहता है, भो हे इयम तु बहुवर्षेभ्य मम पार्श्वे अस्त। इयम मतलब यह, तु यह तो कई वर्षों से, बहुवर्षेभ्य कई वर्षों से, मम पार्श्वे अस्ति कई वर्षों से मेरे पास में है, मेरे पास है। एतादृशी अन्या कश्चित धेनु भविष्यति। इसके जैसी, एतादृशी इसके जैसी अन्या दूसरी कोई, अन्या कश्चित दूसरी कोई धेनु भविष्यति गाय होगी। ऐसा नास्ति भवतः, ऐसा नास्ति भवतः इस तरह नहीं होता है। एतत् ऐसा श्रुत्वा सुनकर शत्वरम धेनोः अक्षिणी पिधाय धर्मदासः तम चौरम कथयति। एतत् ऐसा सुन करके शत्वरम शीघ्र ही धेनोः अक्षिणी गाय के अक्षिणी आँखों को पिधाय ढक करके धर्मदासः धर्मदास ने तम उस चौरम चोर से कथयत कहता है। यदि बहुवर्षेभ्य ऐसा धेनु तव गृहे आसीत, यदि अगर बहुवर्षेभ्य कई सालों से ऐसा यह धेनु गाय तव गृहे आसीत तुम्हारे घर थी, तरही तब त्वम तुम्हें अनया सम्यक परिचितः भविष्यति। इसके इससे भली भांत परिचित होगे, तब तुम इससे सम्यक परिचितः भविष्यति भली भांत परिचित होगे। तत् कथय ऐसा केन नेत्रेण काणा अस्ति। तत् उसने कहा कि तब तुम इससे भली भांति परिचित होगे, तब बोलो। तत् कथय तब बोलो, ऐसा इसकी केन नेत्रेण काणा अस्ति, कौन सी आँख कानी है। काणा मीन्स दृष्टिहीन है, कौन सी आँख कानी है, दृष्टिहीन है। सहचोरितायाः धेनो, वह चोरी की गई गाय के, सहचोरितायाः धेनु वह चोरी की गई गाय के अंगैः परिचितः न आसीत, किसी अंग से परिचित नहीं था। अतः अवदत् अतः बोला, वामेन लोचनेन काणा ऐसा धेनु, वामेन बाई लोचनेन आँखों आँख से काणा ऐसा धेनु, यह दृष्टिबाधित है, कानी है, यह गाय बाई आँख से कानी है। धर्मदासाः तम पुनम पुनः अकथयत। धर्मदास उससे फिर कहा, धर्मदासम धर्मदास ने तम उससे पुनः अकथयत फिर कहा, मित्र दोस्त मित्र एवं मावद ऐसा मत बोलो, एवं मावद ऐसा मत बोलो, ऐसा वामेन लोचनेन काणा न अस्ति, ऐसा मत बोलो, यह गाय बाई आँख से कानी नहीं है। ऐसा मम धे ऐसा वामेन लोचनेन काणा न अस्ति, यह गाय यह बाई आँख से कानी नहीं है। अतः विमृश्यवद अतः सोच विचार कर बोलो। अधिक संभ्रांतः चौर पुनः अवदत। अधिक चालाक, अधिक मतलब ज़्यादा संभ्रांत चोर ने बोला, कहा, अधिक संभ्रांत चोर ने कहा, आम विस्मृतम खलु मया, आम मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई, आम विस्मृतम निश्चय ही मुझसे, खलु निश्चय ही मया मुझसे विस्मृतम भूल हो गई, ऐसा मम धेनु यह मेरी गाय दक्षिणेन लोचनेन काणास्त दाहिनी आँख से कानी है। मया प्रमादात प्रथमं विपरीतम कथितम, मैंने गलती से, मेरे द्वारा गलती से उल्टा कह दिया गया, मैंने विपरीत बोल दिया, कह दिया गया। अधुना अब सत्यम बदाम सच बोल रहा हूँ, ऐसा मम धेनु यह मेरी गाय दक्षिणेन लोचनेन काणा अस्त दाहिनी आँख से कानी है। शत्वरम एव धर्मदासः, शत्वरम शीघ्र ही
शीघ्र ही धर्मदास आँखों से धर्मदास लोचनाभ्याम आँखों से हस्तम हाथों को अपने हटाते हुए उच्चैः च और जोर से बोला। वह उसकी आँख से हाथ को हटाता है और जोर से कहता है, पश्यथ जनाः पश्यथ, देखो सभी लोग, देखो लोगों देखो, एषः पुरुषः चोरः, यह पुरुष चोरः अस्ति, यह पुरुष चोर है, एषः असत्यम् अपि वदति इति सिद्धम् इति नाम। यह जो है चोर है, इसने झूठ, यह झूठ भी बोलता है, इससे सिद्ध होता है, एषः असत्यम् अपि वदति, यह झूठ भी बोलता है, इति सिद्धम् यह इदि नाम, इससे यह सिद्ध होता है, एषा मम धेनु, यह मेरी गाय, केन अपि लोचनेन काना न अस्ति, किसी भी आँख से कानी नहीं है, दृष्टिबाधित नहीं है। ततः तब सर्वे जना करतल ध्वनिना कथयन्त। तो क्या हो रहा है, इसके बाद सभी लोग ताली की आवाज़ से कहते हैं, करतल ध्वनिना ताली की आवाज़। करतल ध्वनिना कथयन्त कहते हैं, सम्यक गृहीतः चोरः, चोर पकड़ा गया, सभी लोग तो कहते हैं, गृहीतः चोरः, चोर पकड़ा गया, सम्यक गृहीतः चोरः, चोर को पकड़ो, राजपुरुषा सम्यक गृहीतः चोरः, सम्यक गृहीतः चोरः, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, राजपुरुषा तम चोरम निगृहीतवन्तः, राजपुरुषा राजा के आदमी उसको क्या किए, उस चोर को पकड़कर, तम चोरम उस चोर को निगृहीतवन्तः पकड़कर ले गए, धर्मदासाय च ताम धेनुम अयच्छन, और उस गाय को धर्मदास ले आया। आप लोग इस पाठ को रीड करेंगे, नीचे शब्दार्थ को पढ़ लेंगे।